मैं बेलरी हूँ और अब यहाँ से स्टार्ट होगी राफ्टिंग। मैं बिल्कुल राफ्टिंग के नीचे और वहाँ से लोग भाई लोग अपने जंपिंग करने जा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। तो अभी मैं श्री गुरु श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में ऋषिकेश में हूँ और बहुत ही अच्छी रात थी, अच्छा था यहाँ पर। और भाई लोग सब लोग हैं यहाँ पे, शायद भी वीडियो बनाना मना है तो इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। और भाई सब अंदर हैं और वो लोग आज जाएंगे राफ्टिंग के लिए और मैं आज जाऊँगा पूरा ऋषिकेश घूमता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, राम झूला लक्ष्मण झूला जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ। अभी चाय वाय पीने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब अच्छा है अरेंजमेंट। और आप अगर कभी भी ऋषिकेश आते हो तो आप यहाँ पर आओ, आराम से रुको, क्योंकि इससे पहले कोई भी गुरुद्वारे में नहीं रुका है। मैंने सर्च किया था यूट्यूब पर कि गुरुद्वारे में यहाँ रुक सकते हैं या नहीं। हाँ, दिखाया है गुरुद्वारा है पर किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर आप रुक सकते हो, स्टे आपको फ्री मिलेगा। तो आपको फ्री स्टे भी मिलेगा हॉल, और अगर आप फैमिली के साथ तो रूम लेना चाहते हो तो 500 में आपको रूम मिल जाएगा, खाना मिलेगा। और क्या चाहिए आपको 24 घंटे के लिए, आपको क्या चाहिए भाई, रूम मिल रहा है, सब मिल रहा है, खाना मिल रहा है 500 रुपये में, क्या लोगे, बहुत ही अच्छा है। आप आ सकते हो यहाँ पर रुको, और बाकी मैं बाहर जा कर के बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर शायद वीडियो बनाना दिक्कत करेगा। तो बाहर चलते हैं, वहीं पे आपको फिर पूरी डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। तो भाई भाई लोग राफ्टिंग पे जा रहे थे तो अपना भी मुझसे ही बोला कि चलो, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं अप्लाई एक बार, राफ्टिंग का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं क्योंकि बार बार तो पता नहीं कब आना हो, और मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं लिया तो ले लेते हैं और चलते हैं। ज़्यादा पैसे भी नहीं है, कम में ही है, डिस्काउंट में मिल रहा है तो चल लेते हैं, 300-400 पड़ेंगे तो कर लेते हैं आज। और रेडी हो गया लोअर ओवर में, और अपने भाई लोग भी सब रेडी हो रहे हैं और दो लोग निकले हैं बाहर, चलते हैं आज राफ्टिंग का एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं फुल। और बैग यही रख दिए हैं और बाहर ही मिलते हैं। तो ऑटो से जाते हुए सब लोग एक ऑटो में 8 लोग बैठ करके 10-10 रुपये लेकर के राफ्टिंग में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जो राफ्टिंग का जो जहाँ पे बुकिंग होती है, वाइल्ड बेट एडवेंचर नाम से है। तो 500 लिए और वहाँ तक ही ले जाएंगे, और उसके बाद 20 रुपीज़ की एक रिसिप्ट कटती है, तो वो भी वो अलग से होता है। और साइन इन कराया है यहाँ पे, अगर कोई भी कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदारी आपकी होगी, इनकी कोई नहीं होगी। बाकी लाइफ जैकेट वैकेट मिलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं वहाँ पर, और समथिंग 8 किलोमीटर्स की होगी राफ्टिंग, यहीं पर आकर के वो ख़त्म हो जाएगी। 8 किलोमीटर हम लोग आगे जाएंगे और फिर वापस यहीं पर आकर के वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज चलते हैं, उसका भी मज़े लेते हैं। तो बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा, बट अंदर मैं गोप्रो लेकर के नहीं जाऊंगा, बाय चांस कभी गिर गया या पानी चला गया, क्योंकि मैंने मेरा कवर नहीं है वाटरप्रूफ वाला, तो पानी जा सकता है, ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं अंदर नहीं ले जाऊँगा इसको, वहीं बाहर ही रख दूँगा और ऐसे ही इन्जॉय करूँगा विदाउट इसके, क्योंकि मज़ा आएगा ऐसे ज़्यादा। तो ठीक है, और आपको दिखाता हूँ यहीं से मैं, हम लोगों ने बुकिंग कराई है, भाई लोग सब खड़े हुए हैं, और बाकी अभी जब वहीं चलेंगे तभी देखेंगे। बाकी मैं देखता हूँ इधर पीछे साइड क्या है। 500 रुपये चले गए यार, 500 इतने में मैं पता नहीं कितने दिन तक ही मज़े से करता। तो कोई बात नहीं यार, कभी कभी पैसे थोड़ा सा लाइफ भी जीनी चाहिए ना, क्योंकि मैं घूम तो रहा हूँ, स्ट्रगल चलो कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए। आज कर लेते हैं फिर तो अपनी लाइफ में, वैसे तो एंजॉय हो ही रहा है, आज अलग से एडवेंचर करते हैं जो मज़ेदार, क्योंकि ये भी होना चाहिए। क्योंकि अब मैं ऋषिकेश कब आऊँगा मुझे नहीं पता है, मेरी अगली ट्रिप दूसरी जगह में जाने वाला हूँ, तो एक बार कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं कार में बैठने के लिए वहाँ स्पॉट तक जाने के लिए, और 8 किलोमीटर की नहीं 18 किलोमीटर की है, मुझे कन्फर्म नहीं था, अब पता चला है 18 किलोमीटर की है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और यही है इस पर वीडियो पर आप लगी हुई, तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, अब चलते हैं राफ्टिंग पे। तो पहुंच गए हैं राफ्टिंग पॉइंट पे और बोट उतर रही है अपनी, राफ्ट उतर रही है अपनी, और भाई लोग भी सब लोग रेडी हैं। अरे देखिए यहीं से राफ्टिंग होगी, वहाँ नीचे से स्टार्ट होगी, और वो उस तरफ एक बोट जा भी रही है, एक लोग और जा रहे हैं,
18 किलोमीटर मतलब मज़ा बहुत आने वाला है भाई, मज़े आ जाएंगे। मैं अंदर नहीं ले जा सकता गोप्रो, वरना और मज़े आते, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है अंदर ले जाने में। तो कोई बात नहीं, इंजॉय करते हैं, फिर आपको फिर एंड में वहीं पे मिलेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि मैं कैमरा रखने जा रहा हूँ यहीं पे, यहीं पे रख करके अब जाएंगे राफ्टिंग। तो राफ्टिंग के लिए अब हम लोग रेडी हैं अपने अपने पूरे गेटअप में सब लोग, भाई लोग भाई कैमरे में तो आ जाओ। सब लाइन से लगे हुए हैं, सबके अपनी अपनी राफ्टिंग के लिए, और अपने भाई लोग उधर गए हुए हैं, मैं भी इधर ही हूँ। और अब यहाँ से स्टार्ट होगी राफ्टिंग। वो देखिए दो लोग जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं अभी थोड़े। तो अभी हम लोग हैं बिल्कुल राफ्टिंग के नीचे, और वहाँ से लोग भाई लोग अपने जंपिंग करने जा रहे हैं। आ जाओ, हाँ हाँ तो लोग भाई लोग कूदने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी भाई को ठंड लग रही है इसलिए नहीं जा रहे हैं, और अभी हम भी जाएंगे, पहले भाई लोग की वीडियो बना देते हैं। लाइफ जैकेट छोड़ दी, आ जाओ, कम ऑन। हट जाए तभी पूछना, पता चले ऊपर ही पूछ जाए। आ जाओ, आ गया हूँ राफ्टिंग कर कर के, और लाइफ जैकेट वैकेट सब निकाल दी गई है। और अभी हम लोग आए हुए हैं, एक घाट है वहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कपड़े गीले हो गए हैं, तो ऐसे गुरुद्वारे जाना ठीक नहीं है, तो सूख जाएंगे तब गुरुद्वारे जाएंगे। और भूख लगाई है काफ़ी ज़्यादा, तो जा कर के कुछ खाते हैं, पहले नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, और फिर शाम को फिर से निकलूँगा। जिसके राम झूला लक्ष्मण झूला सब है, हालांकि अभी सारे देख लिए मैंने, पर आप लोग को भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये सामने जो है ये सीता झूला है, इसे जानकी झूला भी कहते हैं, और वो पीछे साइड राम झूला है, और उसके पीछे लक्ष्मण झूला है। तो शाम को अच्छे से दिखाऊंगा मैं, तब अच्छा दिखेगा, या तो शाम को या फिर कल जाऊँगा तो कल दिखाऊँगा। मतलब रात में जो है ना वो लाइटिंग अच्छी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी दिन में नॉर्मल ऐसे ही दिख रहा है, रात में लाइटिंग होती है तो और ज़्यादा प्यारा दिखता है, ब्यूटीफुल। और ये देखिए नदी है, यहाँ पे भी दो लोग सोलो राफ्टिंग कर रहे हैं। और ये सब भाई लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं, चेंज वेंज कर रहे हैं, मैं भी ऐसे घूम रहा हूँ, मैं वहीं पे गुरुद्वारे में जा कर के चेंज करूँगा, वहीं सुखाऊँगा कपड़े, क्योंकि सूख गए वैसे, हालांकि टी शर्ट सूख गई, बस खाली नीचे की शॉर्ट्स बची हुई हैं, कोई बात नहीं। और फिर देखते हैं, अभी जा कर के रिन्यू कराना है गुरुद्वारे का, आज के रुकने का वो भी रिसिप्ट, वो भी कराते हैं जा कर के, और फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। और एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी जॉर्ज एवरेस्ट वाली वीडियो हल्की सी जो मैंने कैंपिंग करी थी वो डिलीट हो गई, क्योंकि मैंने उसको एडिट किया, वो सेव हो रही थी, मैंने सेव होने से पहले उसको डिलीट कर दिया, तो बीच से ही जो
वीडियोस कुछ क्लिप्स थी वो ड्राफ्ट में जो करप्ट हो गई तो वो डिलीट हो गई थी, इस वजह से देखता हूँ रिकवर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो एवरेस्ट तक की तो है बट वापस आने की नहीं है, वो डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, जितनी है उतनी अपलोड होगी और आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि डिलीट ना करूँ इतनी जल्दी, बाद में करूँगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगी अच्छे से तब उसके बाद ही करूँगा। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और ये देखिए कई सारे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और इधर है परमार्थ मंदिर, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और शाम के टाइम अगर आप आते हैं घूमने के लिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं शाम को आऊँगा घूमने के लिए, पूरा व्यू अच्छे से मज़े करूँगा। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे उस तरफ, स्विमिंग भी कर रहे थे और सनबात कर रहे थे। शाम को आएंगे इधर पूरा घूमेंगे मज़े करेंगे और आपको भी कराएंगे, और तब तक के लिए चलते हैं भाई लोग के पास, वहीं पे बैठते हैं। और वैसे तो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ पर लोग मिल जाते हैं, इस जब से मैंने जर्नी स्टार्ट करी मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले हैं जो अच्छे हैं, काफ़ी हर सिटी हर स्टेट में कोई ना कोई मुझे मिला है, काफ़ी लोग मिले हैं। वहाँ देहरादून में भी भाई लोग अपने मिले थे जो कि अभी भी उनसे बातचीत होती है सब लोगों से, तो और वहाँ आगरा में तो मिले ही थे और फिर अपने देहरादून में भाई लोग मिले हूँ, यहाँ पे ऋषिकेश से मिले हैं, बोल तो रहे हैं भाई लोग कि चलो मेरे साथ कॉलेज श्रीनगर, तो वहाँ भी घूमेंगे क्योंकि श्रीनगर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाएगा, इन लोग का कॉलेज भी देख लेते हैं, हॉस्टल लाइफ देखते हैं कैसी है, इन्जॉय करते हैं उसको, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलेंगे कॉलेज और एक या दो दिन वहाँ भी रुकेंगे, इन्जॉय करेंगे क्योंकि अपने तो कॉलेज लाइफ नहीं हो पाई अच्छी इतनी, तो इन्हीं लोग के कॉलेज चलते हैं और इलीगली एंट्री लेते हैं बिना एडमिशन के, और हॉस्टल में रुकेंगे, मैं इसका खाना खाएंगे, उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे कैसा है, आप लोग को भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं इन लोगों के पास, भाई के पास, और बैठ मैं आया हुआ हूँ लक्ष्मण झूले में क्योंकि रात में बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है और बहुत ही प्यारा दिखता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लक्ष्मण झूला। अरे भैया ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया हमारे भाई साहब ने दोबारे से, तो अभी लक्ष्मण झूला क्रॉस किया और अभी पहले लक्ष्मण झूले पे बाइक से अभी आप क्रॉस कर सकते थे, बट अभी कुछ टाइम पहले से बंद कर दिया गया है क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था, तो उसके जो वायर्स लगे थे वो कमज़ोर हो रहे थे, इस वजह से बाइक से आप नहीं उसके उसको क्रॉस कर सकते हो, पैदल ही कर सकते हो, बाइक से अलाउड नहीं। आया हूँ राम झूले पे और साथ में लक्ष्मण जी हैं हमारे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चाय पी लो, क्या और क्या चाय पी लो और क्या खा लो। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।